आप सब जान रहे हैं नोबेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की बैठक बिलासपुर महंतवाड़ा में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के समाज में शिक्षा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर पर विस्तार से चर्चा किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। 28 जून 2020 को दोपहर 12 बजे महंतवाड़ा बिलासपुर में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें विशेष अतिथि आदरणीय अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र जी, रायपुर शहर अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ सुभाष कोसरे आतिथ्य में युवा प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक आयोजित किया गया। बैठक की शुरुआत गुरु प्रार्थना एवं बाबा गुरु घासीदास जी के जय घोष के साथ प्रारंभ हुआ। बैठक की शुरुआत में प्रदेश महासचिव द्वारा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की स्थापना के साथ संक्षिप्त पृष्ठभूमि रखा गया तथा युवाओं के टेक्निकल एजुकेशन व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। समाज में शिक्षा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर पर विस्तार से चर्चा की गई। शहर अध्यक्ष ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए आह्वान किया। कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे करने का ढंग उसे छोटा या बड़ा बनाता है। मैं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज से प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ विजय कुर्रे। अच्छा, आप सब ला जय सतनाम, जय जोहार। अच्छा, आप आज का जो मीटिंग रखा गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है, बताएंगे? आप मन के माध्यम से मैं पूरा बिलासपुर ला जय सतनाम कहा था और पूरा छत्तीसगढ़ ला जय जोहार करा था। संगवारी हो, हमन हा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज वालन और 2010 से हमन समाज ला संगठित करे के प्रयास करत हन और आज सब ला बड़े समाज सेवक के रूप में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज काम करत है। जेकर अंदर 14 समिति काम करत है, ओमा मूलतः हमार महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ है, जिन में हमार समाज के लइका मल्ला रोजगार के और शिक्षा के बात ला जगह जगह बताए बर हमन हा सबे गाँव में और सबे जिला में सबे ब्लॉक में जाथन और साथ ही साथ हमन हा सरकार के द्वारा जतका योजना चलाए जाते तेला बताथन और एकर साथ साथ हमार जो राजा गुरु बालक दास रही से जेकर राजपाट व्यवस्था बनाए रही से, राजमहंत रही से, अडगवा रही से, जिला रही से और प्रदेश के पदाधिकारी रही से, वो योजना से हम समाज ला एकत्रित करे के व्यवस्था करवावा थन। एकर साथ साथ हम खेल में और चिकित्सा में, रोजगार में सहयोग करथन और समाज ला अपील करथन कि हमार गाँव में जो लड़का हवा वो प्रतिभावान लड़का है, तेन मल्ला अपन गाँव स्तर में सहयोग करा और ला पढ़े लिखे बर और प्रशिक्षण बर प्रेरित करा ताकि वह रोजगार देवैया बने और एक दूसर ला मिल के रहा है। अच्छा, सतनामी समाज के लिए आपके द्वारा पर्सनली क्या क्या किया गया, एक दो टिप्स बताएंगे? देखो, हमन हा समाज के आदमी हन, समाज के लिए करे बर बहुत बड़े काम चाहिए। हम सबसे पहली बताबून कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष एल कोसले साहब के नेतृत्व में पहली बार सतनामी समाज में तपोभूमि गिरौदपुरी मड़वा सरहद में 2.5 करोड़ रुपए के धर्मशाला बनी से, ये पहली बार सतनामी समाज के एकता के प्रतीक हवा और ओकर जो जमीन है ओला माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आजीवन सदस्यता के पैसा से खरीदेगी से, ये पहली बार व्यवस्था है। दूसर, नवा राजधानी कुर्रू पचेड़ा है, एमा समाज के लिए स्कूल स्थापना करे बर वहाँ आजीवन सदस्यता से वहाँ जमीन भी खरीदे गए है। आने वाले समय में हम जमीन खरीद करे हन, जैन भाई या जैन संस्था, जैन संगठन अगर कहा थे कि हम वहाँ स्कूल बनाबोन के तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के ओकर नेतृत्व से हम अपेक्षा और आशा रखथन कि वो संगठन और संस्था ला हम स्कूल स्थापना के लिए दे देबोन, ये बात करथन। और समाज में सबले ज़्यादा हमार महिला शक्ति जो मातृशक्ति है ओकर पर स्वरोजगार अपनाए के लिए, ओकर गृह उद्योग अपनाए के लिए हम प्रशिक्षण के व्यवस्था करवाए के व्यवस्था करत हमारे आज। सुभाष कोसरे जी ने कहा कि जिस प्रकार सुई और धागे में संबंध होता है उसी तरह समाज के लोगों को संस्था के प्रति समर्पित रहना चाहिए। विलोक खरे ने कहा, लोगों को तन मन धन से समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो जितने भी सियान थे वो बहुत सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, लेकिन युद्ध नहीं आया करते थे, तो हमने युद्ध को प्रेरित करने का प्रयास किया और उनको आने वाली पीढ़ी कैसे संचालित करें, समाज की भाग दौड़ संभाले, इसके लिए हम लोग ये आयोजन किए गए हैं। और माता बहनाएं जो बैठी हुए हैं पूरे यंग हैं और उनको निर्देश दिया जा रहा है और आदेश के साथ काम सौंपा जाएगा कि आप
बुजुर्गों को रिलीफ करें और अपने हाथ में बागडोर संभालें, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे उनको देखें और सीखें और समाज का काम करें। और हमारा ये सतनाम संदेश पत्रिका है, आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विगत 10 साल से जो हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज से प्रकाशित हो रहे, सारे चीज़ जितने भी एक्टिविटी होती है समाज की, वो इसमें समाहित होती है, जिससे पूरे प्रदेश भर में, प्रदेश भर के साथ साथ विदेशों में भी इसको भेजा जाता है बाय पोस्ट। ये हमारी उपलब्धि है और बहुत सारी उपलब्धि कराने का प्रयास में हम लोग यहाँ निकले हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं प्रत्येक घर, प्रत्येक ब्लॉक में, हम घर नहीं तो हम ब्लॉक में जरूर पहुँचे और अपनी संदेशों को बताएं। हम आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रगतिशील कोई संस्था ऐसी नहीं कि हम उसको डेवलप कर दें, लेकिन हाँ, उनके जो आत्मनिर्भर है उनको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो सेल्फ डिफेंस होकर दूसरे की मदद करें, ये हमारा उद्देश्य है। मंच का संचालन दिनेश लहरी ने किया। बैठक में रायपुर शहर अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रबंध कार्यकारी सदस्य, प्रदेश सह सचिव के साथ टुकेंद्र बंजारे जिला अध्यक्ष बिलासपुर भी उपस्थित रहे। प्रीति बाला आडिल जिला अध्यक्ष बिलासपुर महिला, तारण टंडन जिला अध्यक्ष बिलासपुर ग्रामीण, शैलेंद्र बंजारे जिला मीडिया प्रभारी ग्रामीण, राजेश डहरिया नगर अध्यक्ष एवं आरजी रमझाझर के संभाग प्रमुख, मनोहर बंजारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संभाग मीडिया प्रभारी के साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मेरा नाम प्रीति बाला आडिल है और अभी प्रगतिशील सतनामी समाज में जिला अध्यक्ष, और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में हमें काम करना है। जैसे जैसे हमारे बड़े भैया लोग आदेश देंगे ऊपर से प्रदेश लेवल पे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे। उससे पहले हमारी कार्य योजना जो बनी हुई है कुटीर उद्योग में जितने भी कार्य है उसको करने के लिए महिला सशक्तिकरण में पहले 100 बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।